हम लोग का भी जान है, जहान है, अपना भी आत्मा है। हम लोग कब तक भूखा खटेंगे? पेट में अनाज चाहिए ना खटने के लिए, पेट में अनाज नहीं है हम लोग का। बच्चा पर दया, हम लोग के बाल बच्चा भी है, बड़े आदमी लोग बड़ा स्कूल में पढ़ाते हैं, क्या हम लोग नॉर्मल भी स्कूल में नहीं पढ़ा सकते हैं? और नौकरी रहेगा ही नहीं तो हम पढ़ाएंगे कैसे? पढ़ाने की हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं ना, संडे मंडे छुट्टी ले रहे हैं ना, होली दिवाली छुट्टी ले रहे क्यों बच्चे लोग के लिए? लेकिन फिर भी सरकार नहीं देख रही है। और जब हम लोग 217 रुपया से खट रहे हैं, 200 रुपया हाजिरी से, 217 रुपया से हाजिरी से खट रहे हैं, जो आज 9000 हुआ है, 9500 तो आप एक महीना के पेमेंट मिला है, अब मिला ही नहीं है। हम लोग कोरोना में ड्यूटी क्यों किए? कि अगर भी कोरोना में ड्यूटी करेंगे तो हम लोग कुछ पैसा अगर बच्चे लोग के पढ़ाएंगे। सब कोरोना में ड्यूटी छोड़ दिया, लेकिन हम लोग किए? सरकार की दिखाई नहीं देती है हम लोग का? महामारी कोरोना में हम लोग अपना बलिदान देके, अपना बाल बच्चा गवा के, अपना सारा संस्था गवा के, और हम लोग अपना सेवा दिए। आज हम लोग का 5 महीने से पेमेंट रुका हुआ है, फिर भी हम लोग टिके हुए हैं, भूखे प्यासे ड्यूटी कर रहे हैं, औरों के लिए, अपने के लिए नहीं, लेकिन फिर भी कोई नजरअंदाज कर दिया जा रहा है। बलिदान हम लोग के बलिदान रखना चाहिए सरकार को, हम लोग के सरकार से विनती करके बोल रहे हैं, हम लोग की ड्यूटी रहने दिया जाए, और मतलब की पेमेंट टाइम से मिले, और छुट्टी भी चाहिए हम लोग को। ड्यूटी तो चाहिए ही चाहिए, नहीं तो हम लोग इसी तरह से रहेंगे, बाल बच्चा के लेके साथ में रहेंगे। नमस्कार, मैं गुड्डी साहब, और आप देख रहे हैं ये रांची हॉस्पिटल के बाहर का नज़ारा है। यहाँ पर काफ़ी भीड़ में यहाँ के कर्मचारी धरना पर बैठे हुए हैं। आइए जानते हैं कि यहाँ आखिर ये लोग क्यों बैठे हैं, किन मांगों को लेकर के ये यहाँ पर धरना पर बैठे हुए हैं। आप लोग बताइए, आप लोग क्यों यहाँ पर बैठे हुए हैं? बताइए। 5 महीना से वेतन नहीं मिला हुआ है, और वही बात, हम लोग को नौकरी से निकाला जा रहा है। नौकरी से निकाला जा रहा है, मैंने होम गार्ड बुला रहा है। आप लोगों को दिया गया है क्या? आप लोगों को इसका नोटिस दिया गया है? नोटिस का मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात हुआ था, और बोला गया सीधे मौखिक दे रहे हैं ये लोग। इसकी सूचना किससे मिली आप लोगों को? पेपर देखते हैं, मीडिया में देखे। आज ही आप लोगों का पहला दिन है, तो आप लोगों की क्या मांगे हैं? दो मांगे हैं, पहला पेमेंट और दूसरा यहाँ इतना दिन से हम लोग कर रहे हैं, तो अभी दूसरा कर सकता है यहाँ पे। तो आप लोगों को निकालने का कोई कारण है? कारण तो वो जाने होंगे, तभी तो ये कारण है। आप बताइए मैडम, यहाँ पर क्या आप लोग क्यों बैठे हैं? आपका नाम, आपका नाम क्या हुआ? आइए इधर आइए थोड़ा, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सुषमा देवी हुआ। हम लोग यहाँ पहला पांच लोगों को पैसा चाहिए, 20 साल से सरकार चाहिए। आप लोगों को कब से पेमेंट नहीं दिया गया है? आप लोगों को मासिक वेतन कितने दिन से नहीं दिया गया है? 5 महीने से हम लोगों को नहीं मिला। 5 महीने से नहीं दिया गया है, तो इससे पहले आप लोग कभी इस बारे में आप लोग कुछ पदाधिकारी किसी से बात किए? हाँ, हम लोग बात करते हैं, रोज होता है, बोलते कि 1 महीने में चला जाएगा, इस तरह करते हैं। हम लोग को 5 महीने खींच लिया गया है, 5 महीने से नहीं मिला गया है। आप लोग बताइए और क्या बताना चाह रहे हैं? दो ही मांग है, दो मांग पूरा हो जाए बस, हो गया। आप लोग यहाँ पर अगर आप लोगों को क्या लगता है, आप लोगों की मांगों को सुना जाएगा? आप लोगों को बात किया जा रहा है इस तरह से? कुछ अंदर से सूचना दिया गया है अभी तक? नहीं, दिया गया है। अगर नहीं मांग को सुधर जाएगा तो आप लोग क्या आगे भी इसी तरह से बैठे रहेंगे? भूख हड़ताल करेंगे, पेमेंट नहीं होगा, और जब तक हम लोग का नौकरी में नहीं रखा जाएगा, हम लोग भूख हड़ताल पर ही रहेंगे। यहाँ क्या आप लोग भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं? जी मैडम, हम लोग 5 साल से काम कर रहे हैं, आगे के लिए सोच रहे हैं। अभी फिलहाल किसी से कुछ बात नहीं है, अभी किसी से कुछ बात नहीं है। बात करने ही नहीं आता है तो किससे बात करें? कोरोना काल में हम लोग 5 साल से खड़े हुए हैं, हम लोग का काम किया जा रहा है, काम किया जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफी संख्या पर लोगों की भीड़ लगी हुई है,
इन लोगों का कहना है कि इनकी दो मांगे हैं, मगर उन मांगों को कोई भी सुनने के लिए ना बाहर कोई आ रहे हैं अंदर से अधिकारी, और ना ही इन्हें कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। आप बताइए मैडम, आप कहाँ से हुए, आपका नाम क्या हुआ? आप लोग क्या चाह रहे हैं? क्या नौकरी चाह रहे हैं? नौकरी चाह रहे हैं हम लोग, नौकरी से हटाया जा रहा है, बोला जा रहा है कि हम बनाएंगे, इससे पहले हम लोग के 5 महीने से पेमेंट भी नहीं किया। आप लोग इस तरह से जो यहाँ पर धरने पर बैठ गए हैं, अंदर मरीजों का क्या हाल होगा? वो तो जाने डायरेक्टर जाने और डीएम जाने, कितने दिन से 5 थी ना पेमेंट के 5 महीना की, इसी से साला नदी के लिए हम लोग दिक्कत में है। क्या कर रहा है डायरेक्टर, हम ही लोग सोच रहे हैं, कोरोना में ड्यूटी किया हम लोग, ट्रोली में लेट कर गया, अभी बोला जा रहा है पेपर में निकल रहा है, अभी पेपर में निकल रहा है, सिक्योरिटी है कौन बार है, अनलीगल तरीका से काम कर रहे हैं, अनलीगल तरीका से काम कर रहे हैं, उसमें कहाँ अभी अभी उसको दिखा दे रहा है कि अनलीगल तरीका से काम कर रहे हैं, उसमें तो दिखना चाहिए, जिसमें कोरोना मेरा 5 गार्ड मर गया, देखने तक भी कोई नहीं आया कि कितना गार्ड मर गया। सरकार अभी ऐसे बोल रही है, सरकार से हम लोग की नौकरी मांग, हम लोग कोई होली कोई दिवाली कोई संडे मंडे कोई छुट्टी नहीं है, 365 दिन ड्यूटी करते हैं, इसमें कोई कुछ छूट नहीं मिला, मतलब ड्यूटी से निकाल दिया जा रहा है, क्या बात है? होमगार्ड हम लोग यही कहना कौन माने हैं, हम ही लाया जाए और हम लोग को नौकरी दिया जाए। बाल बच्चा पर दया करें, हम लोग के बाल बच्चा भी है, बड़े आदमी लोग बड़ा स्कूल में पढ़ाते हैं, क्या हम लोग नॉर्मल भी स्कूल में नहीं पढ़ा सकते हैं? और नौकरी रहेगा ही नहीं तो पढ़ाएंगे कैसे? पढ़ाने की हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं ना, संडे मंडे छुट्टी ले रहे हैं ना, तो होली दिवाली छुट्टी ले रहे हैं क्यों बच्चे लोग के लिए, लेकिन फिर भी सरकार नहीं देख रही है। हम लोग कोरोना में ड्यूटी क्यों किए कि अगर यदि कोरोना में ड्यूटी करेंगे तो हम लोग कुछ पैसा अगर बच्चे लोग के पढ़ाएंगे, सब कोरोना में ड्यूटी छोड़ दे, लेकिन हम लोग किए, सरकार की दिखाई नहीं देती है हम लोग का बलिदान, हम लोग का बलिदान रखना चाहिए सरकार को, हम लोग के सरकार से विनती करके बोल रहे हम लोग की ड्यूटी रहने दे दिया जाए, और मतलब की पेमेंट टाइम से मिले और छुट्टी भी चाहिए हम लोग को, ड्यूटी तो चाहिए ही चाहिए, नहीं तो हम लोग इसी तरह से रहेंगे, बाल बच्चा के लेके साथ में रहेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ महिलाएं भी अपने घर में बच्चों को, बड़े बुजुर्ग अपने पति को, मैंने सबको को छोड़ के यहाँ धरने पर बैठ गई है, मगर इन्हें सुनने वाला सरकार यहाँ पर कोई नहीं है। सबसे बड़ी पीड़ा के बाद की हम लोग 10 साल से 12 साल से 15 साल से हम लोग रिम्स को सेवा दे रहे हैं, अपना देह जवानी यहाँ के ला दिए, आज हम लोग का एज हो गया है, आधा उम्र हो गया है, तो हम यहाँ से अचानक हो गए कि होम गार्ड आएगा हम लोग का निकाल दिया जाएगा, और हर मंथ पेमेंट भी हम लोग का नहीं होता है, बहुत 4 महीना 2 महीना पर एक मंथ का पेमेंट होता है, उससे किसी तरह से हम लोग का अपना जीवन गुजर कर रहे हैं, बाल बच्चा को पोस्ट पाल रहे हैं, अब अटेंडम एकदम अचानक जब से DMS आया है तब से हम लोग का सुनने के लिए मिल रहा है कि होम गार्ड आएगा 400 और हम सब लोग के अचानक निकाल दिया जाएगा, हम लोग बाल बच्चा लेके क्या मारा जाए, हम लोग का कोई देखने रखने को नहीं है, हम लोग का जीवन नहीं है, महामारी कोरोना में हम लोग अपना बलिदान देके अपना बाल बच्चा गवा के अपना सारा संस्था गवा के और हम लोग अपना सेवा दिए, आज हम लोग का 5 महीने से पेमेंट रुका हुआ है, फिर भी हम लोग टिके हुए हैं, भूखे प्यासे ड्यूटी कर रहे हैं, औरों के लिए अपने के लिए नहीं, लेकिन फिर भी कोई नजरअंदाज कर दिया जा रहा है। 5 महीना आप लोगों का पेमेंट कर दिया तब आप लोग आवाज उठा रहे हैं, पहले क्यों नहीं आवाज उठाए? पेमेंट पढ़ने के बाद तो पेमेंट मिला ही नहीं ना है हम लोग का, 1 महीना के पेमेंट मिला है, और जब हम लोग 217 रुपया से खट रहे हैं, 200 रुपया हाजिरी से 217 रुपया से हाजिरी से खट रहे हैं, जो आज 9000 हुआ है 9.5 हजार को, अब 1 महीना के पेमेंट मिला है, अब मिला ही नहीं है, तो हम लोग को कितना भी कुछ भी कर ले, कहीं अपना मेंटल स्केयर है, बाल बच्चों को देखे कि घर द्वार देखे कि बूढ़ी माता पिता को देखे, माता पिता के दवा के लिए मेरा माँ पापा मर गए, और हम लोग कितना देर तक इस तरह से टिके हुए रहेंगे, हम लोग के अब भगाया जा रहा है। बाहर से आए हुए जितने भी यहाँ पर मरीज है, परिजन है, उन लोगों का, उन लोगों के बारे में आप लोगों का क्या कहना है? आप लोग इस तरह से जो बैठ गए धरने पर, उन लोगों के बारे में आप लोगों का क्या कहना है? हम लोग का भी जान है, जहान है, अपना भी आत्मा है, हम लोग कब तक भूखा खटेंगे? पेट में अनाज चाहिए ना खटने के लिए, पेट में अनाज नहीं है हम लोग का, जितना भाई बहन है सबके घर का वही अवस्था है, हम लोग यहाँ के निवासी हैं, यहाँ ही हम लोग का घर द्वार है, झारखंड निवासी हम लोग हैं, और जो अब DMS का ऑर्डर है कि बाहर से नखलों से आएगा वार्ड बॉय, वार्ड बॉय टोली टानेगा और होम हमारा ही गार्ड भाई की जगह में होम गार्ड ड्यूटी करेंगे, तो ये बात सुन के हम सबको
मैंने आत्मा फट गया है, अब नहीं मन करता है कि अब कुछ आगे बढ़ने का काम करने का, ये ऐसा नहीं है कुछ। हम लोग का पेमेंट नहीं दिया जा रहा है, हम लोग का हटाया जा रहा है, तो किस मुद्दा पे काम कीजिएगा? हम लोग का अनलीगल पेश किया जा रहा है कि ये लोग अनलीगल है। आज 15 साल 10 साल 20 साल से काम कर रहा है, लोग अनलीगल नहीं था। महामारी कोरोना में हम लोग काम किया, अपना जान गंवा के, उस समय अनलीगल नहीं थे। आज जब सब रिम्स तार तार हो गया था, जब रिम्स को हम लोग संभाले तो आज होम गार्ड आ रहा है। इस बात पर इतना ही कहना है, हमारा कहना है कि हमारा सारा भाई बहन जितने भी हम लोग यहाँ पे मौजूद है, हम लोग के बेरोजगार ना किया जाए, बाल बच्चा के पेट में लात नहीं मारा जाए। काम किए हम लोग, इतना आदमी सब टोटल कर्मठक काम किए, उसके बाद देखे सब चीज, हम लोग सब चीज व्यवस्था के बोडियो को हम लोग उठापटा कर दिए। अभी देखे कितना दिक्कत हो रहा है हम लोग को। अबे लॉकडाउन का कहानी भी बताओ। लॉकडाउन का कहानी में बताइए, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम और कर्मठक आएगा बोले भागेगा वो सब डर के। महोदय से यह आग्रह करेंगे कि हमें अगर निर्णय अगर लिया गया है हमें निकाल करके अगर होमगार्ड को देने का, तो उस निर्णय को बदल करके हम पर रहने दिया जाए, हमें कार्य करने दिया जाए। क्योंकि जितना भी तरह का प्रॉब्लम होता है उस पीरियड में हम यहाँ रिम्स में काम करते गुजर चुके हैं। तो कोरोना काल में किसी किसी का गार्जियन नहीं होता था, उसको हम लोग मुर्दा घर ले जा करके उनको दफन कफन है ना, मट्टी दिए हैं, जलाए हैं, अभी सब सारा काम हम लोग किया है। और उसके बावजूद भी हम पर है ना यात्रा अगर इस तरह का किया जाएगा तो गलत है। क्योंकि अगर कोई मैसेज अगर गलत हम नहीं समझ पा रहे हैं तो हमके हमें सही मैसेज होते है ना, ताकि हम जो है ना अपने जगह पर कार्य कर सके है ना। और सरकार से भी निवेदन करते हैं, हेमंत सोरेन जी से भी निवेदन करते हैं, हमारे जो हमारे मंत्री जो है हॉस्पिटल के बन्ना गुप्ता जी, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि हमें जो है ना हमारी स्थिति को देखते हुए, जो भयावह स्थिति में हम गुजारे हैं उसको देखते हुए, ध्यान में रखते हुए, जितने भी भाई बहन हम लोग यहाँ कार्य कर रहे हैं, रात और दिन हम लोग एक कर देते हैं, ए कहे ड्यूटी तो हम लोग एक करते हैं, सी कहे तो सी करते हैं, जैसा जिस तरह का आदेश आता है वैसा करते हैं, वक्त की पाबंदी पर काम करते हैं। फिर भी अगर इल्जाम तराशी लगा करके हम पर, जो हम यहाँ का लोकल प्रॉपर है, मैं बड़ा गाय का रहने वाला हूँ है ना, और कोई अगर बनारस और दिल्ली से आकर के हमें कहे बहुत गलत बात है, खुद बाहरी तो वो है, लेकिन हम उनको बाहर नहीं कर रहे हैं। हमें जो है ना हमें यहाँ काम करने दिया जाए, हमें रखा जाए और हमें जो है ना मौका दिया जाए कि मैं इस रिम्स का, इस जो यहाँ लोग आते हैं बड़ी दूर से आते हैं, बड़ी परेशानियों में आते हैं, उनका हम सेवा करें। और उनका तो जितना सेवा हम प्रदान करते हैं शायद उनको लगता है कि कोई दूसरा आदमी कर पाएगा है नहीं। रिम्स के समय और एक चीज और बात है, 5 महीना होने के बाद 1 महीना का तनख्वाह हमें दिया गया है, फिर 5वां महीना आ गया है। उनसे भी इस बारे में भी मैं कहना चाहूँगा, हमें कम से कम अभी दिसंबर तक का पैसा हमें पेमेंट करे है ना, ताकि हमारा घर परिवार जो भी है, बाल बच्चा है ना, स्कूल शिक्षा पढ़ाई लिखा सब रुका हुआ है, कई स्कूलों से बाहर निकाल दिया जाता है हमारे बच्चों को, वो प्रॉब्लम हम पर क्रिएट ना हो है ना। इसकी मैं आग्रह करता हूँ है ना रिम्स प्रशासन से कि फिर दोबारे कि हम पर है ना इस तरह का जो अत्याचार अगर किया जा रहा है तो अत्याचार को ना किया जाए और हम पर रहम करें, हम पर है ना एक इंसानियत का रूप दिखाए और हमें कार्य पर फिर से जिस तरह से नियमित काम कर रहे हैं वैसा नियमित काम पर रखा जाए। यहाँ पर जितने भी कर्मचारी है उनका कहना है कि यही कोरोना काल में ये लोग सारे मरीज को अपने ना घर को देखे ना अपने स्वास्थ्य को देखे कि मुझे भी कुछ हो जाएगा ना देखकर ना सोचते हुए इन लोगों ने अपनी काम को करते रहे, अपनी जिम्मेदारी को निभाते रहे, मगर आज इनके साथ में अन्याय हो रहा है।